हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है बीए पार्ट फर्स्ट ज्योग्राफी पेपर सेकंड राजस्थान ज्योग्राफी का राजस्थान के खनिज संसाधन पार्ट फोर। ये पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री का कंटिन्यूशन लेक्चर है। मैं डॉक्टर एनएस यादव, एसोसिएट प्रोफेसर बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। तो राजस्थान के खनिज संसाधन पार्ट फोर में सबसे पहले गौण खनिज लेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण है बेंटोनाइट। बेंटोनाइट खनिज का उत्कृष्ट गुण, पानी से इसे भिगोया जाने पर विपुल मात्रा में फूल जाने की योग्यता है, यानी ये पानी में डालने से फूल जाता है। यह सलेटी पीले तथा हल्के गुलाबी रंग में मिलता है। देश का 15% बेंटोनाइट राजस्थान में मिलता है। राजस्थान में इसके भंडार बाड़मेर जिले में स्थित हैं। इसके कुछ अन्य क्षेत्र बीकानेर तथा सवाई माधोपुर जिले में भी हैं। बाड़मेर में हाथी की ढाणी, गिराल और अकाली गांव के निकट यह पदार्थ पर्याप्त मात्रा में मिलता है। बाड़मेर में अन्य छोटे छोटे जमाव क्षेत्र हरवेच्छा गांव, धुंगली, गुगा, शिव, विशाला, भाद्रेस, सोयरी आदि गांवों में पाया जाता है। सवाई माधोपुर जिले में दरगावन गांव के निकट इसकी खाने मिलती है। तो वनस्पति तेलों व खनिज तेलों के साफ करने के लिए बेंटोनाइट ज़्यादा अच्छा काम दे सकता है। देश में सेरेमिक बर्तन बनाने वाली कंपनियों के लिए यह पॉलिश आदि के काम में आ सकता है। इसके बाद में है मुल्तानी मिट्टी। राजस्थान में मुल्तानी मिट्टी के उत्पादन में अग्रणी है। भारत के कुल उत्पादन का लगभग 90% भाग राजस्थान में पैदा होता है। इस मिट्टी के महत्वपूर्ण क्षेत्र बीकानेर जिले में पलाना, केदरसर, केसरदेसर तथा मुंद तथा बाड़मेर जिले में कपूरड़ी, अलामरिया और शिव तथा जैसलमेर जिले में बेदहोई, मंदाव और रामगढ़ प्रमुख हैं। इस खनिज का उपयोग वानस्पतिक खनिज तेलों तथा चिकनाई के विरंजन, दुर्गंध हरण, छानने तथा साफ करने में होता है। इसके गौण प्रयोग प्रसादन सामग्री बनाने में, वस्त्रों के सज्जीकरण में, मक्खन तथा विस्की आदि में रंग वाले पदार्थों की मिलावट का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद में महत्वपूर्ण है संगमरमर। संगमरमर, यह विश्व प्रसिद्ध संगमरमर राजस्थान के नागौर जिले से आता है। यह राज्य देश के उत्पादित संगमरमर का लगभग 100% उत्पादन करता है। राजस्थान में संगमरमर के उत्पादन में वर्ष प्रतिवर्ष वृद्धि होती चली गई है। वर्ष 1955 में इसका उत्पादन 19,800 टन था तथा 2001 में 40.59 लाख टन रिकॉर्ड उत्पादन किया गया। इसके मुख्य क्षेत्र हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र। सबसे पहले इसमें मकराना का संगमरमर बहुत अधिक प्रसिद्ध है, जो कि सफेद, गुलाबी, काले तथा धारीदार किस्म का उत्कृष्ट कोटि का संगमरमर है। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल भी मकराना के संगमरमर से बना है। यह जमाव नागौर जिले के उत्तर पूर्व में मकराना रेलवे स्टेशन के समीप स्थित है। संगमरमर की विभिन्न किस्में एक दूसरे के हेर फेर में मिलती हैं। बोरावर के समीप संगमरमर दानेदार, नीला, भूरा
तथा घटिया किस्म का पाया जाता है, जबकि कटक मार्टिन की पुरानी खाने और भुल्ला कटक जो कि पूर्व में इसके ऊपर है उसमें उत्तम किस्म का सफेद मार्बल उत्पन्न होता है। संगमरमर की अन्य खाने सीकर जिले में म्योंडा, अजमेर में किशनगढ़ और अलवर जिले में जिरी व दादमपीर में पाई जाती है। अलवर जिले में मुख्यतः तलवाड़, पालपुरा, राजगढ़, बादामपुर, कालवाड़, गोवर्धनपुरा, जिरी, कलसी, कालागवाड़ा, खो व बलदेवगढ़ आदि स्थानों पर संगमरमर की खाने पाई जाती है। किशनगढ़ में संगमरमर के दृश्यांश नागौर जिले के मकराना संगमरमर की ही निरंतरता का प्रतीक है। इसके बाद में जो दूसरा क्षेत्र है दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, उदयपुर जिले में संगमरमर के विस्तृत जमाव देवी माता, बाबरमल व राजनगर के समीप स्थित है। देवी माता व बाबरमल का संगमरमर गुलाबी रंग का होता है तथा जालौर जिले की रूपी खान में भी कुछ संगमरमर प्राप्त होता है। अन्य क्षेत्रों के अंतर्गत जैसलमेर का संगमरमर अलग प्रकार का है। इसका उपयोग सामान्यतः खिलौने व अन्य सजावट की वस्तुओं के बनाने में काम आता है। कुछ भंडार चाड़ी फलोदी सड़क मार्ग पर देण की मोरिया, भुजासर, आऊ, इंदोलोई गांव के पास मिले। यह संगमरमर पीले व गुलाबी रंग का है तथा उस पर तरह तरह की डिजाइन बनी हुई है। इन खानों के विकास में सबसे बड़ी बाधा परिवहन सुविधाओं की कमी है। राजस्थान में वर्तमान में संगमरमर उत्पादन की दृष्टि से राजसमंद जिले का स्थान प्रथम है, जबकि हरे संगमरमर के उत्पादन में उदयपुर जिला प्रथम स्थान रखता है। हाल ही में कुछ संगमरमर के जमाव जिसमें सभी सात रंगों के प्रतिबिंब होते हैं पाली व आबू सड़क मार्ग पर खांद्रा गांव के पास मिले। तो ये संगमरमर के बाद में चौथा है इमारती पत्थर या बिल्डिंग स्टोन। राजस्थान में चूना पत्थर तथा बलुआ पत्थर बहुत ही महत्वपूर्ण इमारती पत्थर हैं। देश में पत्थर के उत्पादन में राजस्थान सबसे बड़ा प्रदेश है। दूसरे इमारती पत्थरों में शिष्ट, क्वार्ट्जाइट, फिलाइट, स्लेट, संगमरमर, ग्रेनाइट सम्मिलित हैं। इमारती पत्थर के उत्पादन की दृष्टि से जोधपुर का प्रथम स्थान है। इसके पश्चात कोटा, चित्तौड़गढ़ तथा बीकानेर है। कोटा, जोधपुर तथा बीकानेर जिलों में फैली हुई मुख्यतः विंध्यन समूह के तलों से बलुआ पत्थर प्राप्त होता है। छत डालने की पट्टियां जैसे जिले में जसरापुरा, जयपुर जिले में जसरापुरा, आमेर के निकट की पहाड़ियों में तथा आभागढ़ की खदानों में तथा टोंक जिले में टोडाराय भीमसिंह, विशालपुर, थारोली में तथा अजमेर जिले में सिलोरा व उदयपुर में और जयपुर क्षेत्र में थोई, बैराट, सांगरवा आदि स्थानों पर खदानें मिलती हैं। जालौर जिले में गुलाबी रंग का ग्रेनाइट पाया जाता है जिस पर बड़ी आसानी से पॉलिश हो जाती है। अजमेर जिले के बांदनवाड़ा के पास रामालिया गांव में ग्रेनाइट के भंडार मिले हैं। लगभग 100 हेक्टेयर क्षेत्र के इस ग्रेनाइट में गुलाबी में काला ग्रेनाइट मिला है।
बाड़मेर जिले के मायबेर क्षेत्र, अजमेर के पाटन बरल क्षेत्र तथा दौसा जिले के सिकराई क्षेत्र में ब्लॉकेबल ग्रेनाइट के भंडारों का पता हाल ही में चला है। ग्रेनाइट का राज्य में प्रचुर मात्रा में भंडार पाया जाता है। लगभग 18 जिलों में ग्रेनाइट पाया जाता है। इसलिए रिको ने आबू रोड, झुंझुनू, शाहपुरा, जोधपुर, अलवर एवं पाली में औद्योगिकरण के लिए संसाधनों पर आधारित ग्रेनाइट माइनिंग एवं प्रोसेसिंग परियोजनाओं को लगाया है। संक्षेप में राजस्थान भारत में इमारती पत्थर उत्पन्न करने वाला सबसे बड़ा राज्य है। जोधपुर में गुलाबी व भूरे रंग के इमारती पत्थरों की खाने हैं तथा भीलवाड़ा में भीलवाड़ा पट्टियों के लिए प्रसिद्ध है। उदयपुर व डूंगरपुर में काला पत्थर और जैसलमेर में पीला व छीटदार पत्थर मिलता है। करौली, धौलपुर व भरतपुर के निकट भी लाल रंग का इमारती पत्थर निकाला जाता है। राजस्थान में इमारती पत्थर का उत्पादन वर्ष 1973 में 6000 टन था, जो बढ़कर 2000-2001 में 254.65 हजार टन हो गया। इसके बाद अन्य खनिजों में महत्वपूर्ण है घिया पत्थर, स्टेटाइट घिया पत्थर की एक अच्छी किस्म है। राजस्थान इसके भंडारों की दृष्टि से धनी है और भारत के कुल वार्षिक उत्पादन का लगभग 90% उत्पादन करता है और इस प्रकार राज्य को इसके उत्पादन में लगभग एकाधिकार प्राप्त है। यह खनिज राज्य में सर्वत्र पाया जाता है, लेकिन निम्न तीन क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है डाबोथा झरना क्षेत्र। ये जमाव दौसा रेलवे स्टेशन से लगभग 26 किलोमीटर उत्तर में डाबोथा झरना गांव के निकट स्थित है। इस क्षेत्र में के अलावा अन्य क्षेत्र खावा, गीसगढ़ और गढ़ी मोड़ा में स्थित है। घेवरिया व चांदपुरा क्षेत्र। इस क्षेत्र की खाने भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन से लगभग 332 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। चांदपुरा खान भीलवाड़ा के लगभग 40 किलोमीटर उत्तर पूर्व में फैली हुई है। इसके बाद देवपुरा क्षेत्र। उदयपुर क्षेत्र में देवपुरा, लाखावाली, लोहारगढ़, सालोग, मुगावत, देवला, नाथा का पाल और ऋषभदेव आदि कई स्थानों पर ये खाने पाई जाती हैं। देवपुरा खाने राजस्थान में घिया पत्थर की सबसे बड़ी खाने हैं। यह उदयपुर से लगभग 50 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। अन्य क्षेत्र। उपरोक्त खनन क्षेत्र के अलावा यह खनिज कई अन्य स्थानों जैसे सीकर, दरीबा, टोंक में नवाई, बांसवाड़ा में नरवाली तथा डूंगरपुर जिले में जाकोल, खमेरा व देवल आदि में ये खान पाई जाती है। जाजपुर तहसील के बहुत बड़े भूभाग पर इसका भंडारण है। घिया पत्थर के जमाव क्षेत्र करौली जिले में मीरा का डूंगर क्षेत्र, अलवर जिले में रतनगढ़, नांगलहेरी, बेजावास, बुगरमा क्षेत्र, अजमेर जिले में हटुंडी, लच्छीपुरा, सेंद्रा, चौपायत क्षेत्र और दौसा जिले में देगोला, झरना, कलचपुरी, धनियावाड़ा, रायला क्षेत्र आदि प्रमुख हैं। इसका उपयोग टेलकम पाउडर, रंगीन पेंसिल,
कीटनाशक पदार्थ, खिलौने व अन्य वस्तुओं के उत्पादन में किया जाता है। इससे पाउडर बनाने के कारखाने दौसा, भीलवाड़ा तथा उदयपुर आदि क्षेत्रों में स्थित हैं। इसके बाद महत्वपूर्ण है स्लेट पत्थर। यह पत्थर राजस्थान में केवल अलवर जिले में ही पाया जाने के कारण राजस्थान में तो इस जिले को एकाधिकार प्राप्त है ही, साथ ही उत्तर भारत से विदेशों में निर्यात होने वाली कुल मात्रा का करीब 80% स्लेट पत्थर अलवर जिले से ही निर्यात होता है। यह पत्थर जिले के बहरोड, मानन, खुंदरोड, भायासर, रायसाला, रासलाना और गिगलाना आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। स्लेट पत्थर की बहुरंग किस्म का उपयोग विदेशों में मकान की छत, फर्श एवं दीवारों में लगाने के रूप में होता है। यह पत्थर मुख्यतः पश्चिमी जर्मनी, हॉलैंड व ऑस्ट्रेलिया को भेजा जाता है। इसके बाद में है कैल्साइट। कैल्साइट खनिज का रासायनिक संगठन कैल्शियम कार्बोनेट है। इसका उपयोग सूक्ष्मदर्शक यंत्र के निकल त्रिपार्श्वों के बनाने में किया जाता है। साथ ही कैल्शियम कार्बाइड, ब्लीचिंग पाउडर, विस्फोटक पदार्थ आदि बनाने में भी काम आता है। कैल्साइट के प्रमुख प्राप्ति स्थान सीकर जिले में रायपुर, मंडवा, झामस व बालपुरा के निकट तथा सिरोही जिले में पीपरसाल, सियावा, खिल्ला, राजपुरा, खेड़ा, जनकिया तथा पाली जिले में सिरियावरी, बेरी, कपिल की भागल, लीलवा, खोरल, पाटन, बड़ा गुड़ा, जनबेड़ा, दोर्रा आदि में तथा जयपुर जिले में तासकोला, शकुन व बरना की चौकी में तथा झुंझुनू जिले में माधोगढ़, पापराना में तथा उदयपुर जिले में गुमरोड, सायरा, रामचा, झाड़ोल, पादरडा, सेवल, खेड़ा आदि क्षेत्रों में तथा अजमेर जिले में लच्छीपुरा, मुंडोली, सिलीबेड़ी, पिसांगन में तथा राजसमंद जिले में बेरी की भागल, कुंभलगढ़ में तथा बांसवाड़ा जिले में सरेबिलास, घाटोल, अब्दुलपीर आदि क्षेत्रों में कैल्साइट खनिज पाया जाता है। कैल्साइट उत्पादन में राजस्थान भारत में प्रथम स्थान रखता है। राजस्थान में सबसे अधिक इसका उत्पादन सीकर जिले में 69% होता है, जबकि उदयपुर जिले में 21% होता है। इसके बाद में खनिज आता है पाइराइट। राजस्थान के सीकर जिले में पाइराइट के विशाल भंडार पाए गए हैं। तो ये जो लेक्चर है इसमें अन्य खनिज और ये संगमरमर जो गौण खनिज है उनके बारे में चर्चा की है। ये क्वेश्चन इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस निकल कर आते हैं जो आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चंस तैयार करने हैं। ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।